दो तीन दिन से मैं उपेंद्र सर के इस मैडनेस को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, और आज ये गाना देख के ना मतलब वापस से वो हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का जो एक गाना है वो रियल स्टार उपेंद्र सर की फिल्म H20 का गाना है। गाने का नाम है दिल इल दे लव। तो आइए पहले ये गाना देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में आपसे कुछ बातें करेंगे। ओके स्टार्ट। शेमारू ओ भाई साहब, फिर ये गाना अलग होने वाला है। दिल इल दे लव माड़क आगलवे ಮಾಡೋರ್ ಕಂಡ್ರೆ ನಂಗಾಗಲ್ವೇ, ನೀನಿಲ್ದೆ ನಾನಿಲ್ದೆ ನಾನಿಲ್ದೆ ಯಾರಿಲ್ವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಬಾಳಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕಡೆಲೆ. ಇಲ್ಲಿಲ್ದೆ ಲವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವೇ, ಡವ್ ಮಾಡೋ ಕಂಡ್ರೆ ನಂಗಾಗಲ್ವೇ. ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಓಡ್ದಂಗೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕಿಸ್ ಕಂಡಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ಫುಲ್ ಬಾಟ್ಲು ಎದ್ದ ಕಣೆ. ನಿನ್ ಮಾತಿ ಚೌ ಚೌ ಇಲ್ದೇನೆ, ನಿನ್ ಕೋಪದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ನೆಗ್ದೇನೆ, ಬಿಸ್ಕೀನು ಚಾಂಪೇನು ಬ್ರಾಂದಿನು ಬೀರೇನು ಸಾರಾಯ್ನು ಬೇಕೆ ಕಣೆ. ಜಾಫಿ ಬ್ರೌನ್ ಶುಗರ್ ಪಾಂಗ್ ಬಿಡ ಪಾಲು ಪರ ಕೈ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೇಕು ಬೈಟು ಊಟೆ ಊಟೆ ಎಲ್ಲ ಹೀರೋ ಇನ್ನು ನೀನೇ ಹೀರೋ ನಾನೇ ನಾನೇ ಹೀರೋ. ದಿಲ್ಲಿಲ್ದೆ ಲವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವೇ, ಲವ್ ಮಾಡೋರ್ ಕಂಡ್ರೆ ನಂಗಾಗಲ್ವೇ. ಗಂಟೇನು ನಾನೈತೆ ಫುಟ್ಪಾತಲ್ ಬಿದ್ದಿರೋ ಪೀ ಒಟ್ಟೆ, ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ಕುಡಿಯೋನು ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ತೇಲೋನು ನಾನು ಪಕ್ಕುಡ್ಕ. ಕೂಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದ್ದಂಗ ನನ್ನ ಹಾಡೆ, ಹಾಟಿ ಚಶ್ಮಾ ಹಾಕಣ್ಣಿ ನೋಡೆ, ಲವ್ ಇಲ್ದ ಬಾಡಿನು ಗುಂಡಿಲ್ದ ಬಾಟಿನು ಎರಡೂ ನೋವು ಒಂದೇ ಕಡೆ. ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ರಾಮರಸ, ಕೆನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮರಸ, ತುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೇನರಸ, ಸರಸ ಸರಸ. ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಸೀರೋ ನಾನು ಸೀರೋ ಎಲ್ರು ಸೀರೋ. सही बताऊं, दो तीन दिन से मैं उपेंद्र सर के इस मैडनेस को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, और आज ये गाना देख के ना मतलब वापस से वो एक्टिवेट हो गया। मेरे अंदर का भी जो वो पागल वाला है ना, वो एक्टिवेट हो गया। मतलब हर गाना जो देख के इनका ना एक अलग ही फील आती है। मतलब क्या सोचते हैं ये, मतलब
अलग लेवल का। ओके, तो ये जो गाना था ये फिल्म H2O का गाना था। इस गाने को गाया है उपेंद्र सर ने, इस गाने में म्यूजिक दिया है साधु कोकिला सर ने और इस गाने के लिरिक्स लिखे हैं वी मनोहर सर और उपेंद्र सर ने। ये जो फिल्म है वो रिलीज हुई थी 29th of March 2002 को। इस फिल्म की स्टोरी लिखी थी उपेंद्र सर ने और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था इन लोकनाथ सर ने। इस फिल्म में लीड रोल में थे रियल स्टार उपेंद्र सर, प्रभुदेवा सर, प्रियंका त्रिवेदी जो कि उनकी वाइफ है अभी, उसके बाद बाबू मोहन एंड साधु कोकिला सर। ओके, तो इस फिल्म की जो कहानी है वो तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच जो कावेरी जल को लेके विवाद है उस पे इन्होंने इस स्टोरी को लिखा था और इतने अच्छे तरीके से लिखा था कि लोगों ने बहुत इसकी सराहना की। बहुत अच्छे तरीके से उपेंद्र सर ने लिखी थी, मतलब उनका जो दिमाग है वो आपको पता ही है कि वो सोच समय से, उनकी जो सोच है वो समय से आगे रहती है। तो बहुत अच्छी स्टोरी लिखी थी उन्होंने। आपको इस फिल्म के बारे में ज्यादा जानना है तो मैंने इसका पहले जो एक वीडियो बनाया था आई वाना सी माय डार्लिंग, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक मैं लास्ट में दे दूंगा। ओके, तो बस आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और उपेंद्र सर का कौन सा अगला गाना आप देखना चाहते हैं नीचे कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।